हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इवेंट्स, वेरियस इवेंट्स इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सी, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अगर आप को जो मेन इवेंट होते हैं, अगर आप लोग एक मेन वाले समझे तो दैट इज फर्टिलाइजेशन. मेन इवेंट यही होता है, बिना इसके कोई नया इंडिविजुअल बन ही नहीं सकता है. ठीक है, तो सारे इवेंट्स इसी के आगे पीछे ही प्रेजेंट होते हैं. इससे पहले जो इवेंट्स होंगे उसको हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में काउंट करेंगे, फर्टिलाइजेशन से होने वाले. ठीक है, मेन इवेंट ये है ही, क्योंकि बिना उसके तो नया ऑर्गेनिज्म आएगा ही नहीं, जब तक फ्यूजन नहीं होगी. और इसके बाद के पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. ओके, तो वी कैन से कि हम लोग यहाँ पर इसको तीन उसमें पढ़ेंगे, इवेंट्स में पढ़ेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है. फर्स्ट इवेंट प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट. देखो, इस इवेंट के अंदर गैमेट फॉर्मेशन होती है. गैमेट फॉर्मेशन, और दूसरा होता है गैमेट बनने के बाद उनका ट्रांसफर होना. गैमेट फॉर्मेशन एंड द सेकेंड वन इज गैमेट का, एक गैमेट का दूसरे गैमेट के पास में जाना, पहुंचना, ट्रांसफर होना. ओके, तो सबसे पहले हम लोग गैमेट फॉर्मेशन में देख लेते हैं कि हमारे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ज्यादातर जो गैमेट बनते हैं वो किस स्टेट में बनते हैं. हैप्लोइड स्टेट में बनते हैं. मतलब जो गैमेट बनेंगे वो कैसे होंगे, हैप्लोइड. मतलब उनके अंदर क्रोमोसोम नंबर एन फॉर्म में होगा. ओके, क्रोमोसोम नंबर हाफ होगा ऑटोमेटिकली, ताकि जब फर्टिलाइजेशन हो तो जब दो गैमेट्स जो आए वो वापस में क्या करके फ्यूज करके फिर से रिगेन कर ले अपनी डिप्लॉइड स्टेट. ओके, तो गैमेट फॉर्मेशन में क्या, ये हैप्लोइड कंडीशन जो आती है उसके लिए जरूरी क्या है कि वहां पर क्या हो, मियोसिस, सेल डिवीजन जो वो मियोसिस हो, क्योंकि मियोसिस ही होती है जो उनके क्रोमोसोम नंबर को क्या कर देती है, हाफ. क्योंकि जिन सेल से गैमेट की फॉर्मेशन होती है वो डिप्लॉइड स्टेट में होती है. करेक्ट. अब हम लोग गैमेट फॉर्मेशन की बात करें तो अगर पहले हम इसी को देख रहे हैं, गैमेट ट्रांसफर का बाद में देख लेंगे. तो जो मेल गैमेट की फॉर्मेशन होती है उसको क्या बोलते हैं, ज्यादातर स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस. वैसे हम यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है उसका नाम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है, तो बेसिकली हम सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर कैसे रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं. हमारा जो चैप्टर है, जैसे सेकंड चैप्टर है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स फ्लावरिंग प्लांट्स, वो डिटेल्ड रहेगा. और ह्यूमन रिप्रोडक्शन की हमारे अंदर रिप्रोडक्शन कैसा होता है, ये एक बहुत ब्रीफ हम लोग अकाउंट ले रहे हैं कि ज़्यादातर के अंदर कॉमन होता है, हमारे अंदर होता है, ज़्यादातर जो हायर ऑर्गेनिजम्स उनके अंदर वैसा ही होता है. ठीक है, तो ज़्यादातर मेल गैमेट की फॉर्मेशन हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म की जनरेट करना, स्पर्म जनरेट करना. और फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन को क्या बोला जाता है, ओजेनेसिस, अग की फॉर्मेशन, और वी कैन से ओवम फॉर्मेशन. ओके, तो हम लोग पहली बात कर चुके कि जो अगर हम लोग लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो जो गैमेट्स होते हैं वो ज्यादातर मेल और फीमेल कैसे होते हैं, स्ट्रक्चर में और फिजियोलॉजी में, मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी में वो सेम होते हैं. तो उनको हम लोग क्या नाम देते हैं, आइसोगैमेट्स का नाम देते हैं, आइसोसिमिलर. और वी कैन से होमोगैमेट्स. होमो का मतलब क्या होता है, सेम, सिमिलर, होमोगैमेट्स. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल जो क्लैमिडोमोनास और यूलोथ्रिक्स जो लोअर एल्गी हैं, लोअर एल्गी जो होती हैं वो आइसोगैमेट्स और होमोगैमेट्स होती हैं. उनके अंदर जो स्ट्रक्चर है गैमेट्स की वो कुछ इस तरह के मिलते हैं, मेल और फीमेल कुछ इस तरह के होते हैं दोनों. अब बता दो इनमें से मेल कौन सा है, फीमेल कौन सा है. ठीक है, क्योंकि इनके अंदर कैसी क्या सिस्टम है, होमोगैमेट्स, दीज आर होमोगैमेट्स. ठीक है, किनके अंदर बनते हैं ये, क्लैमिडोमोनास, यूलोथ्रिक्स. इनके अंदर क्या होते हैं भाई, आइसोगैमेट की फॉर्मेशन होती है. ठीक है, अच्छा, कुछ ऐसे भी होते हैं ऑर्गेनिजम्स, अगर हम लोग बात करें हायर फंजाई के पास चले जाए, जैसे फ्यूकस हो गया,
उनके अंदर क्या होते हैं, जो गैमेट्स होते हैं वो हेट्रोगैमेट्स होते हैं, वी कैन से अनआइसोगैमेट्स, हेट्रोगैमेट्स मतलब जो जो गैमेट्स हैं वो डिसिमिलर होते हैं, ठीक है। जैसे इनके अंदर कंडीशन जो हायर फंजाई हैं, हेट्रोगैमेटिक कंडीशन, हेट्रोगैमेटिक कंडीशन मैंने अगर आप लोगों को पता हो सिंगियामी की जब हमने टाइप्स पढ़े थे कि अनआइसोगैमी और ऊगैमी होती है, तो हेट्रोगैमेटिक कंडीशन दो तरह की होती है। एक में तो जो फीमेल गैमेट है वो इस तरह का होगा बड़ा, लेकिन जो जो मेल गैमेट है वो इस तरह का मिलेगा, ठीक है। लेकिन हमारे अंदर इसके अंदर फीमेल गैमेट भी मोटाइल हो सकता है या मेल गैमेट भी, लेकिन हमारे अंदर ऊगैमस कंडीशन में क्या होगा कि हमेशा जो मेल है वही क्या होगा, मोटाइल होगा, फीमेल नॉन मोटाइल रहेगी हमेशा, ठीक है। तो ये हायर फंजाई के अंदर ये कंडीशन मिल जाती है और हमारे अंदर ये कंडीशन मिल जाती है, ठीक है भाई। अच्छा अब हम लोग बात करते हैं आगे, सी अभी मैंने बताया कि जो गैमेट्स होते हैं वो हैप्लोइड होते हैं, तो जिन सेल्स के अंदर, अब गैमेट तो बनेंगे बाद में, बनेंगे बाद में हैप्लोइड बनेंगे ना, पहले तो वो किसी ना किसी सेल में मियोसिस हो रही है तभी ये गैमेट की फॉर्मेशन हुई है और ये हैप्लोइड आए हैं। तो जिन सेल्स के अंदर मियोसिस होती है और वो हैप्लोइड सेल बनाती है, ठीक है, तो जिस सेल के अंदर मियोसिस हो रही है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मियोसाइट्स बोलते हैं, समझ रहे हो मेरी बात को। जिन सेल्स के अंदर मियोसिस होगी, ठीक है, सेल है, अब ये सेल है, सेल डिवीजन कर रही है, तो यानी कि ये सेल डिवाइड कर रही है तब नए ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं। तो जब अगर मैं कह रही हूँ कि इस सेल के अंदर मियोसिस हो रही है, ये टू एंड कंडीशन में इस सेल में मियोसिस हुई तब नए ऑर्गेनिज्म आए, तब ये क्या है, ये हैप्लोइड है, तो इस सेल में मियोसिस हो रही है ना, तो इस सेल को मैं क्या बोलूंगी जिसके अंदर मियोसिस हो रही है, दैट इज द मियोसाइट। बात समझ रही हो मेरी, जिस सेल के अंदर मियोसिस होती है उसको बोलेंगे मियोसाइट, तब आती है ये हैप्लोइड सेल्स। तो ये गैमेट जो है ये है, और जिसकी जिससे ये गैमेट बनी है उसको वो क्या होती है, हमारी मदर जर्म सेल होती है, जिसके बारे में हम डिटेल पढ़ने वाले हैं कि कैसे कैसे क्या क्या सिस्टम चलता है। तो हमारे अंदर जो गैमेट्स बनते हैं वो किससे बनते हैं, जर्म सेल से। तो हमारे अंदर जर्म सेल मियोसाइट्स होती हैं। तो एक्चुअल में मियोसिस किन, वैसे हमारे अंदर जर्म सेल्स होते हैं लेकिन हर किसी के अंदर जर्म सेल्स में नहीं होती है। तो एक्चुअली में मियोसिस किसके अंदर होती है, कौन सी सेल के अंदर हो रही है, उस बेसिस पे भी हमारे क्या होते हैं, मियोसिस के टाइप्स होते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। एक होती है हमारी जाइगोटिक मियोसिस, ठीक है, एक होती है हमारी स्पोरिक मियोसिस, और एक होती है हमारी गैमेटिक मियोसिस। जायगोटिक मियोसिस मतलब इसमें जायगोट में मियोसिस हो रही है, तो समझो अब हम लोगों को पता है कि जायगोट क्या होता है, जब फ्यूजन होता है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है तो जो एक नई स्ट्रक्चर बनती है वो होती है हमारी जायगोट। तो भाई जायगोट जब मेल और फीमेल फ्यूज किया तो क्या बन गई जायगोट, एक डिप्लोइड स्ट्रक्चर बन गई हमारे पास। हमें हमेशा पता है जायगोट कब बनती है, जब दो गैमेट फ्यूज करते हैं, तो हमेशा जायगोट कैसा रहेगा, टू एंड कंडीशन में रहेगा, ये फैक्ट है। जायगोट हमेशा टू एंड कंडीशन में रहेगा क्योंकि वो दो गैमेट से मिलके बना है, तो दो गैमेट में हाफ हाफ होंगे तो अपने आप ही डिप्लॉयड होगा वो स्टेट, तो टू एन, तो जायगोट हमारा टू एन है, तो इसमें क्या हो गई, मियोसिस हो गई। तो हमारे पास, और हमें पता है जायगोट क्या बनाता है, फर्दर जायगोट से इंडिविजुअल ही बनेगा, यानी कि जो इंडिविजुअल आता है यहाँ पर वो कैसा होगा, क्योंकि जायगोट में मियोसिस हो रही है तो ये इंडिविजुअल कैसा होगा, हैप्लोइड। तो यहाँ पर जो हैप्लोइड होते हैं वो जो ऑर्गेनिज्म है वो हैप्लोइड स्टेट में अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर लेते हैं। बात क्लियर है, मतलब उनका जो एक्चुअल में जब वो अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे होते हैं ना, तो जो उनका ऑर्गेनिज्म का नंबर है वो हाफ है क्रोमोसोम। नेचर ने उनको ऐसा ही बनाया है कि ऑर्गेनिज्म वो हैप्लोइड रहेंगे, सिर्फ जायगोट उनके अंदर डिप्लोइड रहेगा, और जायगोट में फिर मियोसिस जाएगी और ऑर्गेनिज्म हैप्लोइड स्टेट में। ज्यादातर जो फंजाई है, जो हमारी लोअर फंजाई है, उनके अंदर जायगोटिक मियोसिस होती है, ठीक है। अब बात करते हैं स्पोरिक मियोसिस, मतलब जब स्पोर में मियोसिस होती है। हमारे जो हायर प्लांट्स के अंदर क्या होती है, स्पोरिक मियोसिस होती है, उनके अंदर स्पोरिंजिया होता है,
स्पोरिंजिया में म्योसिस होगी और जो स्पोर्स बनेंगे, डोंट वरी, हम जो ये स्पोरिक म्योसिस बने हायर प्लांट्स बताए, तो हायर प्लांट्स से हमारे एंजियोस्पर्म्स आते हैं, तो हम सेकंड चैप्टर में ये करने वाले हैं। तो डोंट वरी, कैसे होता है वो सारी चीज़ें पता चल जाएगी। स्पोरिंजिया होती है वहाँ पर स्पोर मदर सेल, उसके अंदर होती है म्योसिस और म्योसिस होने से जो स्पोर बनते हैं वो कैसे होंगे, हैप्लोइड। फिर वहाँ से गैमेटोफाइट बनता है, गैमेटोफाइट भी स्पोर, जब हैप्लोइड से सिंपल माइटोसिस होगी तो गैमेटोफाइट हैप्लोइड रहेगा, वहाँ पर जो गैमेट बनेंगे तो हैप्लोइड ही आएंगे, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी जो स्पोर जो गैमेट बनाएगा वो सर ऑलरेडी हैप्लोइड है। कैसे होगी डिटेल देख लेंगे, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर स्पोरिंजिया के अंदर म्योसिस होती है तो स्पोरिक म्योसिस, और क्योंकि हमारे अंदर जो गैमेट्स हैं वो म्योसिस से आते हैं, इसलिए हमारे अंदर गैमेटिक म्योसिस होती है ह्यूमन बींग्स। क्लियर? ओके। नेक्स्ट जो हमारा है, हमने यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन की बात कर ली, नेक्स्ट है गैमेट ट्रांसफर। अब भाई गैमेट की फॉर्मेशन हो गई तो गैमेट को एक दूसरे के पास पहुँचना भी पड़ेगा, बिना एक दूसरे के साथ आए तो फ्यूजन पॉसिबल ही नहीं है। तो गैमेट ट्रांसफर करने के लिए अगर हम लोग लोअर ऑर्गेनिजम्स को देखें, लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है, एक्वेटिक मीडियम होता है, ठीक है। अगर हम लोग देखें प्रोटिस्टा के अंदर देखें, या लोअर फंजाई के अंदर देखें, लोअर एल्गी के अंदर देखें, तो हमें पता है वो एक्वेटिक मीडियम में रहती है। तो एक्वेटिक मीडियम में जो मेल है फीमेल गैमेट है वो क्या होते हैं, मीडियम में ही बाहर छोड़ देते हैं और वो बाहर ही मीट कर जाते हैं, ठीक है। अब क्योंकि वो मीडियम एक्वेटिक है तो वहाँ पर पॉसिबली जो प्रेडेटर्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि क्या पता, ज़रूरी थोड़ी है कि भाई अगर वो गैमेट्स वहाँ पर रिलीज किए हैं तो ज़रूरी थोड़ी वो मीट ही करें। तो इसलिए मेल और फीमेल गैमेट दोनों ही की जो क्वांटिटी होती है, नंबर होते हैं, वो बहुत ज़्यादा होता है ताकि फर्टिलाइजेशन इंश्योर हो, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग एक्वेटिक मीडियम से बाहर आते हैं तो क्या हो जाता है, एक्वेटिक मीडियम रहा ही नहीं, तो उनके लिए कुछ अलग वो देखना पड़ेगा कि भाई गैमेट एक गैमेट दूसरे गैमेट के पास जाए। तो लोअर कैटेगरीज के अंदर तो मेल फीमेल दोनों मोटाइल हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम लोग हायर ऑर्गेनिज्म पे जाते हैं, जैसे अगर मैं हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर पहले प्लांट्स की बात करूं, तो हम लोग जानते हैं कि वहां पर पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन में क्या होता है, जो पोलन ग्रेन होते हैं, क्योंकि पोलन ग्रेन के अंदर ही मेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं, पोलन ग्रेन या तो हवा से या पानी से या फिर कुछ हमारे इंसेक्ट्स हैं उनके थ्रू एजेंसीज, वेरियस एजेंसीज होती हैं जो पोलन ग्रेन को कहाँ पे डालती हैं, स्टिग्मा के ऊपर डालती हैं, ठीक है। तो अगर सेम फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर डाल देती है तो वो सेल्फ हो जाता है, अगर दूसरे के ऊपर डाल देती है वो क्रॉस हो जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ होती है कि भाई वहाँ पर प्लांट्स के अंदर पॉलिनेशन के थ्रू गैमेट ट्रांसफर होता है। लोअर के अंदर हमने बात कर ली कि भाई वहाँ पर एक्वेटिक मीडियम रोल प्ले करता है कि भाई जो मेल फीमेल है वो पानी के थ्रू बह के आपस में फ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। अब क्योंकि इंश्योर करना है फर्टिलाइजेशन, इसलिए वहाँ पर नंबर ज़्यादा होता है दोनों का। अच्छा, अगर हम लोग बात करें जो हमारा एंथेरिडियम और आर्केगोनिया, एंथेरिजॉइड और आर्केगोनिया, ये हमारे जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जैसे हमारा फंजाई हो गया, एल्गी हो गया, उनके अंदर हम लोग ये मेल पार्ट को क्या बोलते हैं, एंथेरिजॉइड, ठीक है। और जो फीमेल पार्ट होता है उसको आर्केगोनिया। ये साइन जो है ना, ये वाला जो साइन होता है ये किसके लिए होता है, मेल के लिए होता है। अगर तुम्हें कहीं मेल नहीं लिखा हुआ, ये साइन दिया हुआ, इसका मतलब मेल, और ये वाला साइन होता है फीमेल के लिए। गॉट इट? ओके। और अगर हम लोग ये तो प्लांट्स की बात हो गई, अगर हम लोग ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स के अंदर जाते हैं तो ज़्यादातर जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर कुछ स्पेशल कॉपुलेटरी ऑर्गन्स बने हुए होते हैं, नेचर ने बनाए हुए होते हैं, जिनके थ्रू वो गैमेट को ट्रांसफर करते हैं। और ज़्यादातर जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर जो मेल गैमेट होता है वो मोटाइल होगा और फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल, मतलब कि मेल गैमेट को ट्रैवल करना पड़ेगा फीमेल गैमेट तक। ओके, तो ये बात हमारी गैमेट ट्रांसफर की हो गई, यानी कि ये हो गया हमारे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा फर्टिलाइजेशन, जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में क्लियर करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे।